All, कैसे हो आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और मैं मैं भी बहुत ही अच्छी हूं। आगे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके जो कि का होने वाला है और मीशो के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है बट आज की वीडियो के लिए उससे भी अलग लेवल पे है रीजन आज के जो कुर्ता पीसेस और जो भी फेस्टिव फेस्टिवर के भी होने वाले हैं और कॉट सेट भी होने वाले हैं कुर्तीज भी होने वाली है वो इतने मस्त मस्त मिले हैं ना इतने अमेजिंग पीसेस मैंने उठाए हैं मीशो से और एक ब्रांड है वीवर सागा मैंने उनके परचेज़ करने की कोशिश की रही है उनका जो ब्रांड है ना वो बेसिकली मिंत्रा पे भी अवेलेबल है बट क्योंकि मीशो पे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल जाता है तो हमें मिंत्रा पे क्यों ही जाना है तो इसीलिए मीशो से मैंने उठाया और सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग पीसेज होने वाले हैं और देखना कॉटन भी है उसमें और आपको एक फेस्टिव वेयर का एक सरप्राइज़ आपको वीडियो के एंड में मिलने वाला है तो देखते रहना लास्ट में वीडियो तो चलिए फिर शुरू करते हैं इतना ज्यादा तारीफों के पुल बांधने के बाद फर्स्ट आइटम से शुरू करते हैं जो कि कलरफुल कुर्ती होने वाली है फुल स्लीव्स की ये कुर्ती है और इसका हाईलाइट एक तो इसका प्रिंट है इसके इतने वाइब्रेंट जो कलर है ना वो इसकी हाईलाइट है और है ना इसकी स्लीव्स, यस जो फुल लेंथ में स्लीव्स आती हैं ना वो वाली स्लीव्स हैं और हल्का सा यहाँ पे आके जो जिथ है ना इसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है सब बेल स्लीव्स जो होती है ना वैसा वैसा सा कुछ टाइप आप लगा सकते हो आइडिया ले सकते हो और इस तरीके का मैंडेरियन कॉलर आपको मिल जाएगा यहाँ पर और फिटिंग इतनी ज़्यादा गजब इसकी फ़िटिंग आई थी ये वाले ब्रांड का वीवर्स आगा ब्रांड से मैंने इसको परचेज किया है और अभी अपफ्रंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बटन्स दिए हुए हैं जो कि फेक ऑन बटन्स हैं बेसिकली इनका कोई रोल नहीं है बट ब्यूटी को एनहांस करते हैं और साथ में क्या करते हैं ना नीचे वाले साइड पे जब हम चलेंगे तो नीचे वाले साइड में आपको एक स्लिट मिल जाएगा इस तरीके का तो ओवरऑल है ना इसका मुझे प्रिंट बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगा था और है ना उसकी स्लीव्स पे मुझे था कि एक बार मैं पहन के देखूँगी कैसी लगेंगी तो पहनने के बाद मैंने इसको वाइट शरारा पे स्टाइल uh, किया था मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा था आप लोग बताना कैसा आपको लगा ये वाला कुर्ता सेट अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो पॉली क्रेप इसका फैब्रिक है और ये वाला फैब्रिक का खासियत क्या होता है ना कि एकदम बॉडी हगिंग होता है ये बॉडी की शेप ले, ले लेता है और इस तरीके का फिटिंग आता है अमेजिंग वाला अब अगर मैं इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं प्राइस की बात करूँ तो 467 सिक्सटी सेवन आई गेस येस फोर सिक्सटी इसका प्राइस है तो इस प्राइस रेंज में ये कुर्ती अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनना है फेस्टिवल्स में या कुछ भी जैसे नवरात्र के नौ दिन आ रहे हैं तो उनमें से आप इसको स्टाइल कर सकते हो एक अच्छा सा वाइब्रेंट लुक मिलेगा आप लोगों को बॉटम वेयर में आप देख सकते हो आप इसके साथ कलर को आ, मिलाना चाहते हो या मैंने जैसे व्हाइट पे कर लिया था या कैसे भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो और क्वालिटी की आपको कुर्ते मिल जाएगी फोर अंडर फाइव हंड्रेड बेसिकली तो ये था हमारा आज का फर्स्ट प्रोडक्ट अभी हम चलते हैं आज के हमारे सेकेंड प्रोडक्ट पे तो बीच बीच में मैं आपको दिखाते जाऊंगी कि कॉर्ड सेट भी है हमारे पास तो अभी जो है ना वो लगातार दो कॉर्ड सेट आने वाले हैं तो अभी जो कॉर्ड सेट आएगा वो है इस तरीके के जो चेक पैटर्न्स होते हैं ना वैसा वाला है चेक का पैटर्न जो होता है उस तरीके का है अगर आप यहाँ पे फ्रंट में देखोगे ना तो ये वाली डिटेलिंग काफी ज्यादा मुझे इसकी प्यारी लगी थी इस तरीके का और इसमें ना कलर भी आपको मिल जाएगा शायद एक ऑप्शन और ये स्काई ब्लू कलर है इसमें दो कलर है या एक कलर और अवेलेबल है ये पिंक और ग्रीन अवेलेबल आप देख सकते हो और इसका प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है अगर टू पीस सेट की हम बात करें ना कॉड कॉर्ड सेट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था सेवन फोर्टी फाइव रुपीज़ और उसके हिसाब से कॉटन इसका फैब्रिक है उसके हिसाब से क्वालिटी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इस तरीके का यहाँ पे आपको आ, लेस वर्क बेसिकली आपको मिल जाएगा बीच में और यहाँ पे आपको इस तरीके का कट वर्क का काम मिलेगा स्लीव्स के ऊपर थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स हैं और फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे और यहाँ पे जैसे ए लाइन कुर्ता सेट होता है ना वैसा है जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से लेंथ में हैं और बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम लेंथ में है बेसिकली राइट राइट अभी इस कुर्ता सेट की लेंथ जो है ना नी लेंथ तक आती है बेसिकली जो मतलब कॉर्ड सेट जिसको हम बोलते हैं फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे ना इसका चेक का फैब्रिक चेक का जो पैटर्न था ना वो देख के लेने का मन किया कि एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है कलर बहुत ज्यादा सूदिंग स्काई ब्लू कलर है काफी ज्यादा अमेजिंग मुझे ये लगा अगर प्राइस में इसका ऑलरेडी बता चुके हैं इसकी बॉटम वेयर की हम बात कर लेते हैं बॉटम वेयर जो है वो इस तरीके का आपको मिल जाएगा सेमी इलास्टिकेटेड और आपको मिलेगा यहाँ पे एक तरफ इसकी पॉकेट भी मिल जाती है और सेम मतलब इस तरीके का मिलेगा आपको और नीचे वाली तरफ भी अगर हम चलते हैं तो इस तरीके का कट वर्क का मिलेगा वर्क तो इसकी फिटिंग है ना इस कॉर्ड सेट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी आप लोग परचेज़ कर सकते हो अगर किसी को कैजुअल वेयर में पहनना है या ऑफिस वेयर के लिए पहनना है या कॉलेज वेयर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो वो भी इनको पहन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगा ये वाला तो अभी हम चलते हैं हमारे आज के थर्ड आइटम पर जो कि अगेन एक कॉर्ड सेट होने वाला है पीच कलर का मैंने इसको परचेज़ किया है और पीच में मतलब इसमें एक कलर और अवेलेबल है पिंक कलर तो आप वो भी देख सकते हो इस तरीके का आपको कुर्ता सेट कुर्ता सेट इसका अपर सेट मिल जाता है ऊपर वाला पोर्शन आपको इस तरीके का कुर्ती स्टाइल में बेसिकली मिलेगा थ्री फोर्थ इसके स्लीव्स हैं और फैब्रिक इसका पॉली क्रेप है तो अगेन जो फर्स्ट वाला स्पेसिफिक्स थे ना फर्स्ट वाले कुर्ता सेट के वही वाले हैं बॉडी हगिंग कपड़ा है और साथ में साथ क्या है कि पार्शली विजिबल है तो आपको इसके नीचे देखना पड़ेगा कि आप क्या इनर वेयर करते हो तो ये चीज़ एक मैंशन में करना चाहूँगी इसका नेक इस तरीके का दे रखा है और अब बात करते हैं नीचे वाले पोर्शन में जो कि इस कुर्ता सेट की हाईलाइट है इस तरीके का यहाँ पे प्रिंट दे रखा है जो कि दूर से ही ऐसे इन्हांस होता है इसकी ब्यूटी को इन्हांस करता है और दूर से ही से पता चलता है कि येस दिस इज़ द वन और है ना ये वाला स्टाइल अगर आप देखोगे ना और इस कुर्ती का क्या है कि पीछे वाली साइड जो है ना इसका लेंथ में है और आगे वाला कम लेंथ में तो थोड़ा स्टाइलिश लुक भी इससे मिल जाता है तो अगर आप इसको ऑफिस वेयर में पहनना चाहते हो अगेन कहीं पे भी पहन सकते हो बहुत ज्यादा सिंपल येट स्टाइलिश पीस ये वाला होने वाला है अब अगर मैं बात करूँ ना इसके बॉटम वेयर की बॉटम वेयर है ना मुझे थोड़ा सा लंबा था लेंथ uh, इसकी ज्यादा लगी मुझे कंपेरेटिवली क्योंकि मैं फाइव थ्री हूं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपको इसकी लेंथ कैसे रहने वाली है अगेन सेमी इलास्टिकेटेड है और फैब एक तरफ इसके पॉकेट भी दे रखी है जिसकी वजह से पहनने के बाद है ना थोड़ा सा विजिबल ऐसे हो रहा था पहनने के बाद कि ये वाली चीज़ जो थी ना वो ऐसे दूर से दिख रही थी तो एक चीज़ ये है बस इसके अंदर बाकी लेंथ थोड़ा सा लंबा था अदरवाइज फिटिंग विटिंग, विटिंग काफी ज्यादा सही लग रही थी ऐसे अच्छे तरीके से अगर आप इसको कैरी करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छा पीस लगने वाला है और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस इसका फाइव नाइन्टी फाइव है विच इज़ वेरी नाइस अकॉर्डिंग टू दिस पीस मतलब काफ़ी ज्यादा स्टाइलिश ट्रेंडी ये लगने वाला है और कलर भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तो ये इस, इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पीस ये होने वाला है मीशो में अब बात करते हैं हमारे आज के फोर्थ कुर्ता सेट की जो कि होने वाला है प्योर कॉटन का कुर्ता सेट होने वाला है बेसिकली ये है ना ये वाला कुर्ता सेट इतना ज़्यादा अमेजिंग था मतलब इतना दिल आ गया मेरा इसके ऊपर और इसका जो कलर था वो थोड़ा सा यूनिक मुझे लगा ऐसे कि ब्लूइश ग्रीनिश जो टोन होती है पहले मैंने बॉटम वेयर उठा लिया पहले मैं कुर्ता लेती हूँ इसका अब वेयर है ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इसका फैब्रिक है ना इतना ज़्यादा लाइट है कॉटन है प्योर और इसके अंदर जो ये ब्लॉक प्रिंट दे रखा है ना ऑर्गेनिक डाई से आई गेस ये ऑर्गेनिक डाई यूज़ की गई है इसके अंदर और जो प्रॉपर जो ब्लॉक प्रिंट होता है ना वो वाला है और मतलब आई जस्ट लव दिस टाइप ऑफ कुर्ताज़ की जिसके अंदर इस तरीके का प्रिंट विंट होता है लेकिन बस थोड़ा सा मुझे लगता है इसके कलर को लेकर देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा अलग वॉश करना पड़ेगा बाकी सबसे ऐसा मैं अभी अंदाजा लगा रही हूँ कि ऐसा होगा बट अभी अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया तो मैं बता नहीं सकती बस अंदाजा मैं लगा रही हूँ कि ऐसा होगा थ्री फोर्थ इसके स्लीव्स हैं इस तरीके की पाइपिंग यहाँ पे दे रखी है हल्की सी तो कलर कॉम्बिनेशन जो था ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था लेंथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और पहनने के बाद तो वाओ क्या मजा आ रहा था उसके बाद इसकी जो हाईलाइट है ना इस कुर्ता सेट की वो इसको अंगरखा स्टाइल में इन्होंने दे रखा है इस कुर्ता सेट को और अगेन इस तरीके का लास्ट में आके क्या है इस तरीके की स्लिट यहाँ पे दे रखे हैं इन लोगों ने और अब अंग रेखा की बात पे बात करते हैं कि ये जो डोरी दे रखी है और साथ में जो टेसल्स दे रखे हैं ना ये बहुत ज़्यादा क्यूट ऐसे लग रहे थे पहनने के बाद तो ये एक हाईलाइट कर रहा था इस कुर्ता सेट को बिल्कुल सिंपल और साथ में स्टाइलिश भी ऐसा लग रहा था और प्रॉपर ऑफिस वेयर के लिए इट इज़ गोइंग टू तो बी सो 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 अमेज़िंग कुर्ता सेट आई वेयर और फैब्रिक सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है अगर आपको पता ही है अगर आपने इस तरीके का फैब्रिक ऐसे ब्लॉक प्रिंट का अगर कभी पहना है तो वो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और इसमें एक कलर और अवेलेबल था आई गेस पिंक कलर था वो शायद प्लेन पिंक कलर था और उस पर सिर्फ इस तरीके के बॉर्डर दे रखा था तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसकी लेंथ इसकी फिटिंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा प्यारा कुर्ता सेट था अब बात करते हैं इसकी बॉटम वेयर की चलिए बॉटम वेयर जो है वो कुछ इस तरीके का दे रखा है यहाँ पर आपको एक दोनों तरफ पॉकेट मिलती हैं यस। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात तो यही हो जाती है कि जब आपको पॉकेट मिलती है तो वो मज़ा आ जाता है तो दोनों तरफ इसके पॉकेट्स आपको मिल जाएगी सेमी लास्टिकेट अगेन ये है और फिटिंग गजब थी फिटिंग प्राइस की बात कर लेते हैं प्राइस जो था इसका सेवन हंड्रेड रुपीज़ था तो सेवन हंड्रेड के अकॉर्डिंग है ना बहुत ज़्यादा प्यारा कुर्ता सेट है हाईली हाईली रिकमेंडेड मतलब अभी तक के कुर्ता सेट में आई जस्ट लव दिस वन सो मच अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ता सेट की नेक्स्ट आइटम क्या है गेस कुर्ता सेट पता नहीं कुर्ता सेट है कि कुर्ती अभी देखते हैं क्या निकल के आता है कुर्ती पैच वर्क वाली कुर्ती बेसिकली वो होने वाली है और वो पहनने के बाद क्या गजब लग रही थी आपको मैं अभी दिखाती हूँ एक सेकेंड और इसके अंदर जो फ्लेयर था वाओ मतलब और फैब्रिक की तो बात ही मत करो फैब्रिक कॉटन था इतना ज्यादा अमेजिंग इतना ज़्यादा प्यारा ये कुर्ता सेट है ना अगर किसी को जैसे फेस्टिव में वही मैं बता रही हूँ ना कि नवरात्रि हो गए आगे दशहरा वगैरह ये सारे के सारे जो छोटे मोटे त्यौहार छोटे मोटे बोल रही हूँ मैं इनको मतलब अगर नवरात्रि के नौ दिन है तो छोटे छोटे अगर हमको अलग अलग बदल बदल के पहनना है और किसी को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनना है तो उसके लिए ये आइटम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इसके बाद आने वाले आइटम्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तो रुक जाओ और देखते रहो यस तो ये वाला जो हमारे पास कुर्ती है ये बिल्कुल घेर इसमें इतना ज़्यादा दे रखा है और अमेजिंग बात पता क्या है यहाँ पे इन्होंने बटन्स दे रखे हैं और बटन्स ये जो है ना नीचे तक खुल सकते हैं और आप इसको स्टाइल कर सकते हो जैसे मैंने क्या किया था इसको ऊपर के दो तीन पोर्शन बंद कर दिए बटन के और नीचे वाला मैंने खोल दिया तो एक स्लिट सा मिल गया मुझे और वो एक अलग सा स्टाइल भी आप मिल सकता है कभी आप इसको फुल्ली बंद करके पहन सकते हो बिल्कुल अनारकली स्टाइल में हो जाएगा और कभी आप इसको बिल्कुल दो तीन बटन यहाँ तक बंद करके नीचे वाला पोर्शन आप स्लिट uh, के तरीके से यूज़ कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारा कुर्ता सेट मुझे लगा था इस तरीके का आपको पैच वर्क में मिल जाता है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है और स्लीव्स का ये वाला जो पोर्शन था ना ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और अगर आप प्लेयर की बात करो जब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ना तो आप समझोगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ तो अगर आप यहाँ से समझ पा रहे हो इट इज़ सो नाइस इसका फैब्रिक आई जस्ट लव दट और इस तरीके का मेडेरियन कॉलर आपको मिल जाता है और प्रॉपर अच्छी खासी लेंथ आपको मिल जाती है बॉटम वेयर में ना आपको सिर्फ शायद इतना सा पोर्शन देखने को मिलेगा और प्रॉपर किसी भी फेस्टिवल में आप इसको पहन सकते हो आई जस्ट लव इट अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँगा तो लिखना भूलगी प्राइस मैं इसका स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी आप आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो बट येस इट इज़ वर्थ बाइंग अगर आप इसको खरीदते हो तो बहुत ज्यादा आप मतलब आप पछताओगे नहीं बेसिकली बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये है बहुत ज़्यादा तारीफ कर देना मैंने अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आइटम पे जो कि होने वाला है एक फ्लोरल प्रिंट का कुर्ती होने वाली है बेसिकली इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऑफिस वेयर के लिए पहन सकते हैं या कैजुअल वेयर के लिए पहन सकते हैं मतलब फेस्टिवल पे अगर आपको नहीं पहनना तो उसके अलावा ऑप्शंस में आप इसको रख सकते हैं मेरे को ना इसका पता है क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा जो इसका ये वाला स्टाइल था ना ये जो स्लीव्स वाला जो स्लीवलेस वाला जो स्टाइल था ना मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया मतलब जो एक होता है स्लीव्स यहाँ तक जाते हैं जो और एक बिल्कुल यहाँ से जाते हैं ना जो प्रॉपर अच्छे वाला लुक देते हैं मुझे वो वाली कुर्ती सेट के फीलिंग आई इसके अंदर से ये का बैक आपको मिलेगा आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही करूँ मतलब अच्छा खासा थोड़ा अच्छा खासा बैक यहाँ से आपको दिखता है इधर वाले पोर्शन से तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टाइलिश सी लगी अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा प्यारी फिटिंग वाली कुर्ते सेट है अब अगर मैं इस साइज की बात करूँ मैंने इसमें थर्टी साइज़ लिया था तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना शायद ये मीडियम साइज में आता है फिटिंग ए क्वालिटी की फिटिंग थी और इसमें ना कोई भी आपको स्लिट नहीं मिलता साइड से बस एक छोटा सा स्लिट आपको फ्रंट वाली पोर्शन से मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये मुझे लगा और इसका जो अगर फैब्रिक की बात करूँ ना फैब्रिक इसका क्रेप में था पॉली पॉली क्रेप बेसिकली जो अभी तक के दो आइटम आ चुके हैं उसमें से तीसरा आइटम पॉली क्रेप का ये वाला भी है फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है यार इस कपड़े की अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस इसका था फाइव सिक्सटी सेवन रुपीज़ का तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी मैंने इसको वाइट शरारा के ऊपर स्टाइल किया था तो आप लोग देखना इसको जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो या किसी और कलर के ऊपर भी पहन सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही थी लेंथ अच्छी खासी इसकी गिवन थी अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की जो कि होने वाली है ना एक म्यूसलिन सिल्क म्यूसलिन बोलते हैं म्यूसिलिन बोलते हैं कौन सा वाला बोलते हैं वो वाले फैब्रिक की है और वो इतना ज़्यादा लाइट वेट फैब्रिक है और इतना अच्छा लेयर है वेट अभी मैं दिखाती हूँ ऐसा टच करने में इतना ज़्यादा स्मूद है और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका वर्क फ्रंट वाला और रियल मिर, मिरर का यहाँ पे वर्क दिया हुआ है और इतनी मस्त वाली एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे दे रखी है ये तो मेरा दिल ले गई मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था और साथ के साथ इसकी स्लीव्स की भी बात कर लेते हैं स्लीव्स इतनी ज़्यादा प्यारी मुझे लग रही थी ऐसे लूज लूज वाली जो होती है ना स्लीव उसकी बात ही कुछ और होती है इतनी ज़्यादा अमेजिंग लगती है और साइड में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी भी यहाँ पे कर रखी है मिरर वर्क है सबसे मेन बात ये है फॉइल मिरर वर्क नहीं है तो इसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी को इनहंस कर देता है और ऐसे टच करोगे ना आप इसके फैब्रिक को तब आपको पता चलेगा मैं किसनी तारीफ इसकी क्यों कर रही हूँ ऐसे बहुत अमेजिंग फिट के साथ आलिया कट जो कुर्ता सेट अगर किसी को चाहिए तो दिस इज इट और साथ में ना इसमें एक कलर और अवेलेबल है इसमें तो शायद ये पिंक कलर है पीच कलर और आई गेस अवेलेबल है आप लोग चेक कर सकते हो तो लेंथ और इसका फैब्रिक और इसकी फिटिंग और इसका स्टाइल सब कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो बहुत ही एवड़, अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ये रहेगी सेवन फिफ्टी का जो हल्का हल्का सा प्रिंट है ना जो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है ऐसे ब्रीजी ब्रीजी और बहुत सूदिंग सा इफेक्ट देगा आपको अब जब आप इसको परचेज़ करेंगे ऑफकोर्स तभी तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट परचेज अभी मुझे याद नहीं है कि सिक्स था सेवन था एट था कौन सा परचेज था बट आई जस्ट लव दिस फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा कुर्ता सेट कुर्ती थी ये वाली कुर्ता सेट बोल रही हूँ क्योंकि जबान पे वही रह रहे हैं कुर्ती सेट कुर्ती थी बहुत ज्यादा प्यारी अभी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट आइटम की विच इज गोइंग टू बी इंडिगो प्रिंट किस किसको पसंद है सबसे पहले तो ये बताओ मुझे इंडिगो प्रिंट वाला जो फैब्रिक होता है वैसा वैसा जो कलर होता है ना वो एक अलग ही फीलिंग देता है एक अलग ही वाइब देता है और अलग ही लुक क्रिएट करता है अभी मैं ये वाली कुर्ती सेट और ये वाली कुर्ती सेट आप कभी भी पहन लेना मतलब कभी भी इन द सेंस आप इसको फेस्टिवल में पहन लेना आप इसको ऑफिस वेयर में पहन लेना आप इसको छोटी मोटी फंक्शन में पहन लेना इट इज गोइंग टू लुक सो 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 अमेजिंग अगर मैं बात करूँ अब इसकी डिटेलिंग की इस तरीके की स्लीव यहाँ पे दे रखे एकदम वेल फिटेड जो स्लीव होती है ना थ्री फोर्थ वाली वो है और कलर कॉम्बिनेशन जो था ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था इसका रेड और ब्लू का और अगर मैं बात करूँ यहाँ की फ्रंट की तो वहाँ पे आपको फॉइल मिरर वर्क मिल जाएगा और अंगरखा स्टाइल की जो अनारकली होती है ना वो वाली है और इसको छूने से आपको पता चलेगा कि कितना प्रीमियम वर्क इसके अंदर किया हुआ है और कितना प्रीमियम क्वालिटी का जो फैब्रिक मैं बोलूँगी ना वो वाला यूज है यूज़ किया हुआ है तो कॉटन इसका फैब्रिक है अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आसपास इसका कुछ प्राइस था अभी मुझे एक्जैक्ट याद नहीं मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी आप लोग देख सकते हो बट इसकी लेंथ इसकी फिटिंग इसका फैब्रिक इसका प्रिंट एवरीथिंग इज सो 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 टॉप नॉच आप एक बार भी रिग्रेट नहीं करोगे और यही सेम ब्रांड का आपको मिलेगा मिंत्रा पे तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा प्राइस में मिलेगा आपको कंपैरेटिवली मीशो का तो मीशो इज मच मोर अफोर्डेबल देन अदर साइड्स तो ये वाली चीज़ होगी हमारे पास यहाँ पर अंगरखा दे रखा है और यहाँ पे जो डोरी और ये जो tassel ये वाले tassels आप एक बार देखो कितनी ज़्यादा ज़्यादा प्यारी लग रही हैं ऐसे कलरफुल सी अलग अलग प्रिंट में बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे ये लग रही थी तो इट इज़ वेरी नाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वी neck यहाँ पे है और नीचे की बात करते हैं अभी बॉर्डर की तो बॉर्डर कुछ इस तरीके का दे रखा है और रेड और ब्लू कलर में जो कॉम्बिनेशन था ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था

स्पेशल या बोलो फेस्टिवल स्पेशल चनिया चोली जिसको बोलते हैं वो होने वाली है और वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग और प्राइस रेंज सुन के तो आप हैरान रह जाओगे कि इतनी प्राइस रेंज में कोई इतना प्यारा लहंगा सेट या चनिया चोली टाइप अब कैसे मिल सकता है ये है अंडर टू थाउजेंड टाइगर से इसका प्राइस है सेवनटीन हंड्रेड थर्टीन रुपीज़ बट इसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है इसका जो फ्लेयर है मैं दिखाई देती हूँ दे आपको इतना क्या ही बोल रही हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं चोली की जो कि इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्यारी थी वेट कुछ इस तरीके की आती है मैं इसको थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा आती है इतनी ज्यादा स्टाइलिश इतनी ज्यादा ट्रेंडी इतनी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन और इतना ज्यादा बस क्या बोलूँ इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इतना प्यारा मटेरियल आपको मिल रहा है और पहनने में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम पहनने के बाद कहीं से भी कुछ इचिंग हो जाए या कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए वैसा कुछ भी नहीं है और अच्छा खासा मार्जिन भी अंदर दे दे रखा है मतलब अगर किसी को थोड़ा सा लूज थोड़ा सा टाइट कराना है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस तरीके का वर्क यहाँ पे दे रखा है ऐसे लगा लो पीछे वाली साइड से पैच वर्क सा नहीं होता तो वैसा कर रखा है और फ्रंट में आपको ये मिरर मिल जाएंगे पूरा वर्क पूरी की पूरी चोली पे और सबसे मेन बात क्या है ना इसमें सात छः सात कलर्स हैं और हर एक का एक मेरे को ना रेड और ब्लैक में था इसका कॉम्बिनेशन वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये वाला जो है ना ये वाला जो पोर्शन है ये हर एक में अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है किसी के अंदर यहाँ पे गणेश जी बनाए हुए हैं किसी के अंदर इस तरीके से ट्राइंग मतलब -अलग, अलग अलग शेप में बनाए हुए हैं तो ये आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सा लेते हो इसकी डिटेलिंग देखना यार तुम लोग कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है इस तरीके का यहाँ पे जो डिटेलिंग है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारी है और इस तरीके का यहाँ पे स्लेट मिल जाएगा आपको तो यहाँ पे पहनने के बाद है ना एक मस्त सा आपको लुक मिलेगा और स्लीव्स आपको इस तरीके का नूडल स्ट्रैप बोलते हैं इसको तो नूडल स्ट्रैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके का और कुछ भी ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है अगर आपको इसको किसी और तरीके मतलब इसमें ना आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा बेसिकली तो दुपट्टा नहीं मिलेगा आप इसको स्टाइल कर सकते हो किसी और दुपट्टा के साथ या फिर किसी जैकेट श्रग के साथ ये बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा तो आई जस्ट लव दट इतना ज़्यादा प्यारा मुझे लगा और ये जो मिरर वाली जो फॉल फॉयल मिररर वाला जो वर्क है ना ये वाला जो पोर्शन पूरे के पूरे चोली पर किया हुआ है इट इज़ वेरी नाइस nice. और कलर कॉम्बिनेशन आप एक बार देखो ग्रीन येलो मरून तो एकदम वाइब्रेंट तो और आप ही आप दिखने वाले हो अगर आप ये पहनते हो तो उसके बाद बात करते हैं इसकी चोली की वैसे तो मैंने है ना आपको वीडियो में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ आप इसका बॉर्डर और सब किस तरीके का मटेरियल इसका देखा है वो सब मैं दिखाती हूँ बट आप साइड वाली वीडियो में ज़रूर देखना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था मैंने प्रॉपर थोड़ा सा ज्वेलरी के साथ उसको स्टाइल किया था जो ऑक्सरडाइज ज्वेलरी होती है बेसिकली वैसा सा स्टाइल करने की कोशिश करी थी आप लोग बताना कैसा लग रहा था फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ट्राई गया था जो नीचे वाला बॉटम वेयर है इसका लहंगा जो इसका घाघरा बोलो लो वो लेने इतना ज़्यादा अमेजिंग है आई जस्ट नीचे अंदर से अगर आप देखोगे तो ये कॉटन का मटेरियल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक इन्होंने लिया है और है ना सेवन हंड्रेड के हिसाब आप से आपको लहंगा मिल रहा है ना क्लेयर का इट इज़ वेरी नाइस लेट मी शो यू इस तरीके का आपको मिल जाएगा बॉर्डर और ऊपर वाला बिल्कुल प्लेन आपको मिलेगा इस तरीके की आपको यहाँ पे फॉइल मिरर की मिल जाएगी लेसिंग और कलर कॉम्बिनेशन इज सो सो नाइस मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना पूरा का पूरा पैचेस यहाँ पे अलग अलग तरीके की यूज़ कर जो कि इसकी हाईलाइट है और अब एक और हाईलाइट की तरफ चलते हैं इसकी जो लटकन है इसका जो डोरी है और ये जो टेसल्स हैं इट इज़ सो सो नाइस एक बड़ी डिटेलिंग आप लोग देखो इसकी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और बिल्कुल इतना फाइन वर्क इन्होंने किया हुआ है ना इसी तरीके से अगर आप देखोगे स्टिचिंग से लेके और स्टाइल से लेके फैब्रिक से लेके एवरीथिंग इज़ सो सो टॉप नॉच मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार लगा और आप लोग बताना आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा लगा मुझे। आपको आज का वीडियो कैसे लगा बहुत ज़्यादा ऐसे लंबी वीडियो बन गया और आज के आज मैंने स्टाइलिंग भी किया आज के आज मेरे वर्पल वाला भी चल रहा है और अभी मुझे एडिट भी करनी है तो बहुत ज़्यादा लंबा हेक्टिक दिन था आज का तो देखते हैं कैसी लगती है आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताना रहा है कॉमेंट करती सबके सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में डाल दूँगी सारे के सारे कुर्ता सेट्स कुर्तीज और कॉड सेट के लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो को करते हैं खत्म लेकिन अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ जो कि मैं पिछले दो से देते जा रही हूँ कि अब की बार पक्का ज्वेलरी हॉल ही आने वाला है संडे को तो बने रहिए बनी चैनल पे और अगर आप लोग नए और पहली बार चैनल को देख रहे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आप तो कमेंट शेयर टू तो योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनको तो इस तरीके की वीडियो बेसिकली लिए देखना पसंद है उनको आप शेयर कर सकते हो तो चलिए फिर बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ मैं हाँ, अभी चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय